तो भाई आज हम बात करेंगे दबंग खान की नंबर 8 की। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान से। दोस्तों आपको तो पता ही है कि अब तक हमने आपको सलमान खान की शुरुआती दौर की 7 फिल्मों की जानकारी दे दी है, जिसमें से सलमान खान ने 6 हिट फिल्में लगातार दी थी और उसके बाद उनकी 7वीं फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। तो भाई आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं तो भाई उस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्मेंस रहा था, इसको जानने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे इस वीडियो के साथ यानी कि नंबर 8 के साथ। तो दोस्तों सलमान खान की जो 8वीं फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आई थी तो उस फिल्म का नाम था सूर्यवंशी, जो कि 7 फरवरी सन 1992 को बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारी थी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राकेश कुमार ने। इस फिल्म में सलमान खान के साथ नजर आई थी अमृता सिंह, साहिबा, सईद जाफरी और कादर खान। तो दोस्तों यही वो फिल्म है जिसमें पहली बार सलमान खान ने अपनी बॉडी दिखाई थी और भाई इस फिल्म की कहानी बहुत ही अतरंगी टाइप की थी, इसीलिए यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नारंगी यानी कि सतरंगी साबित हुई थी। यानी कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाल नहीं कर पाई थी, यानी कि यह फिल्म फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस पर। यानी कि लगातार 6 फिल्में हिट देने के बाद सलमान खान की यह दूसरी फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस पर। तो आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट कितना है वो तो हमें जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो इस प्रकार था, यानी कि कुल मिलाकर इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो था 1,50,00,000 रुपए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाई सलमान खान की ये फिल्म अपना बजट निकालने में भी नाकामयाब साबित हुई थी। और इस फिल्म को लेकर मैं आपको ये भी नहीं बोल सकता कि आप इस फिल्म को देखें, क्योंकि भाई इस फिल्म की कहानी इतनी पिटी हुई है कि इस फिल्म को देखने के बाद आप शायद मुझे पकड़ के पीट दोगे कि भाई कि इस फिल्म को देखने के लिए आपने बोला, यानी कि इस फिल्म को आप मत ही देखना, इस फिल्म को यूं ही छोड़ देना। हाँ अगर आपको फ्लॉप फिल्म के बारे में कुछ जानकारी लेनी है या फिर फिल्में फ्लॉप कैसी होती है ये जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को जरूर देखना, इससे आपको जरूर पता चलेगा कि अगर ऐसे कंटेंट पे अगर आप काम करोगे तो वो फिल्में फ्लॉप ही होंगी। अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और इस फिल्म के फ्लॉप होने के कारण क्या थे, ये भी अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।